नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस मैम। एक मसाला चाय, पुदीने और अदरक वाली, कड़क। श्योर। थोड़ा देसी स्टाइल। श्योर। आज मैं ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। तुम क्या लोगे गिरवान? मैं खाली कप लूंगा। ओके। तो बताओ कितनी कशिश थी और कितनी कोशिश। लगता है रात भर सोए नहीं हो। यू स्टिल लुक टायर्ड। ओ सॉरी। एवरीवन नीड्स प्राइवेसी। ये गुप्त हरकतें और खामोशी गिरवान। शादी के बाद पहली बार तुम इतने खुल के हंसे हो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे सुकून नजर आ रहा है। थैंक यू गिरवान, मुझे समझने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। सर आपका खाली कप। थैंक यू गिरवान। तुम ही कहते हो ना, चाय इस दिल से दिल की ड्रिंक। जब दो दिल एक हो रहे हो तो कब दो क्यों। पति पत्नी के साथ साथ हमें अच्छे दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। दोस्ती ही एक ऐसा बंधन है जो बहुत दूर तक, बहुत देर तक चलता है। बहुत दिनों से कहना चाह रही थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। कभी हालात के काबू में थी तो कभी तुम्हारे मूड के। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। इंसान अपनों के साथ ही तो बिना मुखौटों के जीता है। एंड दैट इज पास्ट। Past is past and that's gone. So, क्या आज वो दिन हो सकता है जब हम दोस्ती की तरफ पहला कदम उठाएं? Thank you. अनविता 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 अनविता, the deal is cracked. Yes yes yes. अरे हाँ हाँ हाँ, cosmetic company वाले सारे terms and conditions पर सहमत हो गए। बस अब paperwork बाकी है। Now there is only happiness all the way. क्या हुआ? I am pregnant. जिंदगी अपना सफर करके फिर अकेली हो गई। क्या मैं यहां खड़ी हो सकती हूं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास? जिस तरह दूर जाने से दूरियां नहीं बढ़ती, उसी तरह पास आने से नजदीकियां नहीं बढ़ जाती हैं। तुम्हारी कड़क मसाला चाय, पुदीने और अदरक वाली, ये जरूरी है कि अंदर क्या है? ऊपर के श्रृंगार से सच्चाई नहीं बदलती। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं
अगर पता होता तो शादी के पहले ही बता देती। बिलीव मी, यही सच है, और तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मुझे पता होता या तुम्हें चीट करना होता तो साजिश के तौर पे बस एक बार अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देती तो तुम आज खुशी खुशी मान लेते कि बच्चा तुम्हारा है। लेकिन मैं झूठ पर सवार होकर जिंदगी नहीं जी सकती। आई कांट लिव ऑन लाइज। आई फील डर्टी टू से दिस। अगर मैं भी नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से मेरा इंटरेस्ट कैसे खत्म हो गया। नहीं पता था कि ये चेंज ऑफ हार्मोन्स की वजह से है। शादी से पहले मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, मगर सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंट एंड इन योर फ्यूचर। जिसे तुम अनदेखा करने के लिए बोल रही हो, वो तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर है जो मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हारा अतीत कबूल कर सकता हूं, मगर ये बच्चा नहीं। बोलना तो नहीं चाहता था, मगर तुमने मजबूर कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि ये सब शादी के बाद शुरू हुआ हो। मैं मानती हूं कि ये सही नहीं है, बट यू आर माई हस्बैंड नाउ। मेरी फीलिंग्स के प्रति इतनी निर्दयी तो मत बनो। फ्रॉम रूड यू हैव बिकम क्रूएल। ओह, सो वर यू एक्सपेक्टिंग मी टू सेलिब्रेट योर प्रेगनेंसी? जिंदगी में हमेशा सच बोलना सीखो। सच बोलोगी तो ना तो किसी के आगे झुकने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी से डरने की। एक बात बोलूं? बोल। आई एम रेडी टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, अगर ये मेरी मिस्टेक है तो। बच्चा मिस्टेक नहीं है। छोड़ना यार, किसी की भी मिस्टेक हो, आई एम रेडी टू टेक केयर ऑफ इट। Really? Do you think that you can take care of this child? और क्या मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ? ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश ना कर सकूँ, और मैं यहाँ तुम्हारी सिंपथी लेने नहीं आई हूँ। गिरवान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्टर्ब थी और तुमने तो हाइड कर दी। गिरवान तो किसी और का बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें तो किसी का भी बच्चा मिस्टेक लगता है। मैं गलत हो सकती हूं, लेकिन ये बच्चा गलती नहीं हो सकता। बच्चा और गिरवान, आई मीन, मैं इन दोनों के साथ रह पाऊं ये पॉसिबल नहीं है। मैं सुसाइड नहीं कर सकती। अगर किया तो ये बच्चा मर जाएगा जिसको मैं उसका वजूद देने की कोशिश कर रही हूं, एट द कॉस्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। और इस बच्चे की जान में मेरा कोई हक नहीं है। बताता नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहले गिरवान टूट जाएगा और फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं कभी किसी को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती, और आज मैं सबको हर्ट करके बैठी हूं। ऐसा लगता है जैसे सारे रिश्ते मुझसे रूठ गए। धोखा, हीरा फेरी, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन, इन सबको मैंने अपने करीब आने तक नहीं दिया। और देखो ना, आज इन सब ने मेरे कैरेक्टर को ऐसा रंग दिया है कि अन्विता कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अन्विता, लाइफ इज वेटिंग टू बी स्मूथ अगेन। पता नहीं क्यों, प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं है? जिस चेयर पे उसने मेरा हेयर कट किया था, आज तक किसी और को बैठने नहीं दिया।
waiting for me? He's still what? Anvita, मैं एक राय देना चाहता हूँ. I can be wrong, but तुम्हें मेरी बात सही लगे तो I will do whatever it takes to make it happen. Just my point of view. जब हम किसी नई जगह घर बनाते हैं ना, तो वहां के खुशियों के मौसम के साथ साथ वहां के तूफानों को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर किसी को तुम्हारा अतीत मंजूर करने की इच्छा है, तो उसे उस अतीत के बिखरे हुए किस्मत को भी एब्सॉर्ब करने का जिगर होना चाहिए. अनलाइक द पॉपुलर ओपिनियन, सेक्स इज नॉट अ शॉर्ट लिव्ड इमोशन. इट्स द प्योरेस्ट थिंग जिससे जिंदगी मिलती है, जिंदगी आगे बढ़ती है, जनरेशन की उन्नति होती है. और बच्चा होना कोई मामूली बात नहीं है. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग आउट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, जिसको इज्जत देनी चाहिए. हर इंसान तुम जैसा क्यों नहीं होता? तुम जैसा क्यों नहीं सोचता कि औरत में भी वही दिल है जो मर्द में होता है? उसे भी ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है. ये बच्चा मेरी भूल है अनविता. मेरा पाप नहीं, ये मेरा पाप नहीं है. टू लार्ज विस्कीज. दो किसके लिए? मुझे नहीं चाहिए. प्लीज बेबी, मेरे ड्रिंक्स मत गिनो. अगर हिसाब रखना ही है तो मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए चाहत है उसका हिसाब रखो. और वैसे भी कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे लिए कैसे हो सकती है गिरवान? दोनों मेरे लिए है गिरवान. मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ. मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ. तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने रिश्ते को क्या नाम देते हो या मुझे कौन सा दर्जा देते हो. बस तुम्हारी हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है. Cheers to our love. मेरी शादी हो चुकी है. अनविता मेरी पत्नी है, मेरा टूट हिस्सा है जो तुम कभी नहीं बन सकती. तो तुम मुझे छोड़कर उस हाफ प्रोस्टिट्यूट के साथ रहना चाहते हो जिसके साथ तुम अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हो? मेरे साथ नहीं, तुम उस प्रेग्नेंट औरत के साथ रहना चाहते हो जिसे ये तक नहीं पता कि उससे बच्चा किस बिस्तर पर मिला है? तुम एक ऐसी औरत के साथ रहना चाहते हो जो तुमसे शादी कर तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती है, मगर दोस्ती किसी और के साथ. उप्स, मगर दोस्ती कई औरों के साथ. One repeat, please. मेरे लिए ये important है कि मैं भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहूं. भावनात्मक रूप से संतुष्ट. Very well. तुम यही deserve करते हो. Emotionally satisfied and physically deprived. मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रही थी. Opening batsman बोल के तुम बस extra बनने के लायक हो. किसी की खाली जगह को खड़े रहकर भरने के लिए. क्या हुआ गिरवान, इतनी रात को पार्लर में क्यों बुलाया? ना ये अपना नंबर लिखती और ना मेरी ये दशा होती. गिरवान, अगर तू इसे मेरी नजर से देखेगा तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस नंबर एंड फॉर दिस रिलेशनशिप. हाँ मैं चू हूं ना. व्हाट डू यू मीन शक्ति? यस आई मीन योर इनर मोस्ट फीलिंग्स. क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या तुम उससे खुद से ज्यादा प्यार नहीं करते? करता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं. यही तो सारे फसाद की जड़ है. और जहां तक रही बात की कितना करता हूं, तो सुन, मैंने कभी उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा. ये प्यार नहीं तो और क्या है? शादी के बाद उसे अपनी मर्जी बता दी
और मैंने बिना किसी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट के अग्री कर लिया। ये प्यार नहीं तो और क्या है? फिर दोस्त बनने का ज्ञान दिया, वो भी मान लिया, ये प्यार नहीं तो और क्या है? मगर आज सारे कांटे कह रहे हैं कि वो जो कह रही है वो सच नहीं है। अपनी प्रेगनेंसी को लूजिंग इंटरेस्ट का नाम दिया। दोस्त बनने का मतलब था जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक दूर रहो। आए वह पास का मतलब था मैं तुम्हारी हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी नहीं। पागल हो गया हूं यार मैं, ऐसी दलदल में आ गया हूं जहां फिसलता ही जा रहा हूं। किरवान, इस दलदल को प्यार समझ, और मैं नहीं चाहता तेरा फिसलना कभी रुके। प्लीज प्लीज कुछ वक्त के लिए ये भूल जाओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये सोचो ये एक दुआ है, भगवान की देन है। The child is gift of God। मुझे भगवान की दी हुई गिफ्ट मंजूर है, मगर किसी अनजान आदमी से नहीं। और भगवान की दी हुई गिफ्ट जायज होती है, नाजायज नहीं। गिरवान, बच्चे कभी नाजायज नहीं होते, नाजायज तो माँ बाप होते हैं। शादी के पहले दिन से मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, विदाउट डिस्कशन एंड विद अ स्माइल। अगर किसी और के बच्चे को पालना होता तो बात अलग थी, मगर मेरी ही पत्नी का बच्चा जिसके बारे में कुछ नहीं पता, नो, नॉट एक्सेप्टेड। अगर तुम्हारा तलाक हुआ होता, तुम्हारा पति तुम्हें तकलीफ देने वाला आदमी होता और तुम उसे ऐसे ही छोड़ के आ गई होती तो बात अलग थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच हुई होती तो भी मैं मान लेता। अन्विता, सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए, और वो है अबॉर्शन। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अबॉर्शन। बच्चा तो मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी, विच मीन्स उसके जन्म तक मैं यहां नहीं रुक सकती। ठीक है, मैं इसे एक सिंगल पेरेंट की तरह पालूंगी। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब तुम सोच लो तुम अपनी माँ, दोस्त या और जान पहचान वालों से क्या कहोगे जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जैसा तुमने कहा, तुम्हें मेरे अतीत से कोई मतलब नहीं, तो ये मेरा अतीत है और इसका भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसे मिलकर पालेंगे। इसको सिर्फ इसकी माँ। मैं ये सोचकर जा रही हूं कि बच्चा होने के बाद हम फिर से हमारी जिंदगी शुरू करेंगे। अगर इरादा बदल जाए तो थोड़ा पहले बता देना। यूं बेटी बार बार दहलीज छोड़े मेरे माँ बाप को शोभा नहीं देता। वैसे भी सारी जिम्मेदारियां तो उठाए रखी हूँ, साफ सफाई, कपड़े धोना, कुकिंग और नौकरी भी करती हूँ, एंड दैट टू विदाउट ब्रिंगिंग प्रेशर्स होम। तो एक और जिम्मेदारी से क्यों डरूं? बाकी ये याद रखना कि ये डिसीजन तुम्हारा था। जहां तक मेरी बात है, मैं कहीं भी रहूं इस घर की देखभाल हमेशा करूंगी, और इजाजत दोगे तो तुम्हारा ख्याल भी।